दोस्तों अक्सर आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा किड्स को एक सुपर बाइक राइड करते हुए, एंड हर रोज आप भी ऐसी ही थिंकिंग रखते होंगे और कहीं ना कहीं रोज सपने देखते होंगे राइडिंग के। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ ऐसे सुपर मिनी व्हीकल्स जो कि कमाल के तो होंगे ही, साथ ही अफोर्डेबल भी होंगे। तो चलिए फटाफट से फर्स्ट गियर लगाते हैं इस वीडियो पर, लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। नंबर वन, रेजर डर्ट MX125। दोस्तों आजकल सुपर बाइक का क्रेज हम सब पर तेजी से है, हर कोई अपनी एक नई सुपर बाइक लेना चाहता है, और बेशक आप भी अगर अपने बचपन में अपनी छोटी बाइक को स्कूल लेकर जाना चाहते थे, लेकिन पहले तो कुछ ऐसा पॉसिबल ना था। लेकिन आज आपके सामने होगी ये छोटी सी कूल सी बाइक जो कि ऑलमोस्ट सेटिस्फाइंग है। बेसिकली ये बाइक एक तरह की इलेक्ट्रिक बाइक है जो की पूरी ड्यूरेबल स्टील से बनी है, और गाइस इसके ग्राफिक्स और डेकल्स की जितनी ही तारीफ करें हम उतनी ही कम रहेगी। दोस्तों अगर हम बात करें इसकी परफॉर्मेंस की, तो यहाँ आपको 100 वॉट का टॉर्क मोटर लगी होगी जिसमें आपको 40 से 50 किलोमीटर तक की स्पीड मिल जाएगी, और गाइस स्पेशली इसमें आपको ड्रम ब्रेक्स दिए रहेंगे जो कि बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होंगे, और गाइस सबसे इंपॉर्टेंट इसकी कंफर्टेबल सीट्स जो कि तो कमाल की हैं। सो गाइस अगर आप भी इस बाइक को लेकर स्कूल वगैरह या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ राइड वगैरह पर जाना चाहते हैं तो एक अलग तरह का फन कर पाएंगे आप इस बाइक के साथ, एंड इस कमाल की सुपर मिनी बाइक के लिए तो एक लाइक बनता ही है। नंबर टू, नाइनबॉट एस प्लस। दोस्तों जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है हमारी पुरानी गेम्स भी बदलती जा रही हैं। जैसे हम बचपन में भाग दौड़ करके हाइड एंड सीक जैसे गेम्स खेलते थे, लेकिन इन गेम्स का लेवल भी अब अलग होता जा रहा है, और आजकल ये सेगवे बोर्ड अपने आप में ही एक कमाल का व्हीकल होगा। दरअसल ये एक सेल्फ बैलेंसिंग टू व्हीलर बोर्ड जैसा है और इसमें आप खड़े होकर ट्रैवल कर सकते हैं। गाइस इसमें आपको मैक्सिमम स्पीड 15 किलोमीटर तक की मिल जाती है, साथ ही इसे कंट्रोल करने के लिए एक कंट्रोलर भी दिया रहेगा। गाइस इस 9 बॉट का बेस्ट पार्ट तो ये है कि इसके टायर्स में आपको RGB LEDs मिल जाती हैं, और ये आपके एक बटन दबाते ही आपको फॉलो करने लगेगा, तो काफी मजेदार होने वाला है ये सेगवे 9 बॉट जो कि आपके फन को और भी ज्यादा मजेदार बनाएगा। तो इस कमाल की टेक्नोलॉजी के लिए तो एक लाइक बनता ही बनता है। नंबर 3, स्प्लैश ट्रांसफॉर्मर मोटर बाइक। अब गाइस देखेंगे आप ट्रांसपोर्टेशन की एक नई राह को जिसका नजरिया और अंदाज बिल्कुल ही अलग होगा। दोस्तों जो हमारी कॉमन बाइक्स होती हैं उनका एक स्टैंडर्ड साइज होता है, लेकिन यहाँ ये बाइक थोड़ी सी अलग रहेगी आपकी स्टैंडर्ड बाइक से, क्योंकि ये साइज में छोटी है, लेकिन इस बाइक को आप एक चार्ज में 45 से 50 किलोमीटर तक आराम से चला सकते हैं। इसमें आपको पावरफुल टॉर्क देखने को रहेगा और जिसका रिस्पॉन्स काफी अच्छा रहता है ऑफ रोड पर भी। लेकिन गाइस जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहेगा इस बाइक पर वो है इसका डिजाइन और कन्वर्टेबल हैंडल्स जो कि हाइट एडजस्टेबल होते हैं, क्योंकि किड्स के साथ साथ एडल्ट्स को भी ध्यान में रखते हुए डिजाइन की गई है। यानी कि इस बाइक को तो आप जरूर से ट्राई करना चाहेंगे, ना सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन के लिए बल्कि एज ए कैजुअल यूज के लिए भी। नंबर 4, इवॉल्वो स्केटबोर्ड। दोस्तों देखा जाता है कि आजकल स्केटबोर्डिंग का क्रेज लोगों पर काफी हद तक आ चुका है, लेकिन आपके जो कॉमन स्केटबोर्ड्स रहते हैं उनके लिए आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए रहता है, लेकिन ये स्केटबोर्ड आपकी इसी स्केटबोर्डिंग को एक अलग ही मुकाम पर पहुंचा देता है। बेसिकली ये स्केटबोर्ड एक 2-in-1 इलेक्ट्रिक बोर्ड है जिसमें आप जबरदस्त ऑफरोडिंग के साथ साथ अपने प्लेन रोड्स पर भी अच्छा खासा चला सकते हैं। असल में इसमें ऑफरोडिंग के अलग से व्हील्स दिए रहते हैं जिन्हें आप इजिली रिप्लेस कर सकते हैं कुछ ही सेकेंड्स में। अब गाइस इसका एक और बेनिफिट रहता है कि इसमें आपको एक छोटा सा रिमोट कंट्रोल दिया रहता है इसके फीचर्स को ऑपरेट करने के लिए, लाइक आपको स्पीड वगैरह देखने को मिलेगी और राइडिंग से जुड़े कई सारे पैरामीटर्स देखने को मिल जाएंगे। एंड गाइस फाइनली इसकी रोड कर्विंग बहुत ही कमाल की है, यानी कि इस स्केटबोर्ड में आपको मजा ही आने वाला है, तो एक तरह का नया एक्सपीरियंस रहेगा आपको इस इलेक्ट्रिक स्केटबोर्ड के साथ में। तो अगर आप भी ट्राई करना चाहते हैं कुछ इस तरह के स्केटबोर्ड को, तो इसका परचेज लिंक रहेगा इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन पर। नंबर 5, वेव्ड इलेक्ट्रिक स्कूटर। दोस्तों आज की डेट में किसी भी व्हीकल को देखे तो ज्यादातर आपको सब कुछ मॉडिफाइड मिलेगा, लाइक उसकी DRLs, LED लाइट्स वगैरह रिप्लेस करना आजकल कॉमन हो चुका है। लेकिन गाइस इस कोरियन स्कूटर में आपको पहले से ही चीजें अपग्रेडेड मिलेंगी, क्योंकि इस स्कूटर में पहले से ही LED लाइट्स का अच्छा खासा कॉम्बिनेशन देखने को रहेगा। दोस्तों देखने में तो ये स्कूटर बिल्कुल ही अलग रहेगा, साथ ही इसे राइड करना भी काफी ज्यादा मजेदार होगा,
क्योंकि इसे कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है ताकि आप इसे खड़े होकर चला सके, यानी कि ये सिटी राइडिंग के लिए या फिर आपकी मस्ती टाइम पर एक बड़ा ही मज़ेदार व्हीकल होगा। तो क्या आप भी इस स्कूटर को ट्राई करना चाहेंगे, मुझे कमेंट में बताइएगा। और गाइस, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर ही लीजिएगा। दोस्तों, अगर आप मॉल्स वगैरह जाते रहते हो तो आपने देखा होगा कि बच्चों के लिए एक मिनी बाइक राइडिंग रहती है। तो अभी आप देखने वाले एक ऐसी ही रिमोट कंट्रोल बाइक को, जो कि थोड़ी सी डिफरेंट रहेगी आपकी दूसरी बाइक से। दोस्तों, ये बाइक एक तरह की मिनी आरसी बाइक है जिसमें आपको काफ़ी सारे फीचर्स दिए रहते हैं, और फिर ये चीज़ कहीं ना कहीं छोटे बच्चों के लिए काफ़ी सही रहने वाली है। तो अगर आप भी अपने किड्स वगैरह के लिए या फिर किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं एक आरसी बाइक, तो ये ऑप्शन आपके लिए बेस्ट रहेगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको मिलती रहे हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन। सो गाइस, मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए धांसू गैजेट्स के साथ में। तब तक लिए आप सब अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय।